नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि होम्योपैथी मेडिसिन किसी रोग के आधार पर, बीमारी के नाम के आधार पर नहीं दी जाती। वह दी जाती है कि रोगी में लक्षण क्या हैं। जैसे हो सकता है कि अलग अलग बीमारियों के सेम लक्षण हों, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम बीमारी के अलग अलग लक्षण रोगी में मौजूद होते हैं। तो रोगी में फिलहाल लक्षण क्या है, उसके आधार पर होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है, नाम चाहे बीमारी का कोई भी हो। हो सकता है एक ही बीमारी में किसी व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को अलग अलग मेडिसिन देनी पड़ सकती है, जिसके कि लक्षण अलग अलग होंगे तो उसको अलग अलग मेडिसिन दी जाएगी, चाहे बीमारी का नाम उस दोनों व्यक्तियों में एक ही बीमारी पाई गई हो, ठीक है ना। तो आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एबिस करेंडिस, ABISCANADENSIS, एबिस करेंडिस। तो ये मेडिसिन कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं, कौन कौन से लक्षण यदि उनमें होंगे तो वो मेडिसिन का यूज आपको करना है। देखिए, अजीर्ण जैसे पेट की से संबंधित एक रोग होता है, जैसे कि उसमें मान लो पाचन क्रिया की गड़बड़ी हो आपको किसी प्रकार की, क्रोचने जैसी भूख लगे, भूख से ज़्यादा खा जाए रोगी, और रोगी इसमें इतना खा जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खा गया है, और खाने के बाद में उसका पेट फूल जाता है, और जिसके दबाव के कारण हृदय की क्रिया तेज होने लगती है, और जिससे कि पेट की जो गैस होती है वो उससे हृदय की जो गति होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो एक तो इसका यह लक्षण है। दूसरा, जैसे महिलाएं होती हैं उनमें गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, गर्भाशय के जैसे इसमें लक्षण में मौजूद होता होगा कि अगले भाग में हल्का हल्का दर्द होगा गर्भाशय के में, और उसको दबाने या फिर चलने से, यानी कि जब दबाव पड़ेगा तो उसमें आराम महसूस होगा, तो यदि ये लक्षण हो तो आप ले सकते हो। तीसरा है बेहद कमजोरी, यानी कि मतलब किसी व्यक्ति को बेहद कमजोरी महसूस हो रही हो और हर समय वह लेटे रहना चाहता है, तो ऐसा यदि लक्षण हो तो वो कोई ले सकता है। और जैसे बुखार हो रहा हो, बहुत तेज जबर में, यानी ठंड से कांप रहा हो रोगी, कंधों के बीच ठंडे यानी बर्फ जैसा, यानी कि पानी जैसा अनुभव हो रहा हो, रोगी को ऐसा लगता हो कि जो नसों में जो खून दौड़ रहा है वो बर्फ जैसा ठंडा हो गया हो, और नाड़ियों में जो मतलब खून को बर्फ जैसा खून दौड़ने को उसको लग रहा हो, और रोगी सर्दी से कांप रहा है, हाथ तथा जो त्वचा है उसकी बिल्कुल ठंडी हो गई है, यदि ऐसे लक्षण बुखार में हो तो हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगला है अचार हो गया, गाजर हो गई, शलजम हो गई, या फिर मूली हो गई, या फिर मोटे जो अनाज होते हैं वो यदि रोगी को खाने की इच्छा होती हो तो इन लक्षणों में हम दे सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण है जिसके आधार पर हम चयन कर सकते हैं कि हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए या फिर नहीं, किस पोटेंसी में करना है। हमें 30 पोटेंसी से हम शुरुआत करते हैं, कम ही पोटेंसी हमें लेनी चाहिए शुरुआत में, या फिर किसी होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्टेशन लेकर के फिर आप ले सकते हो, या फिर आप 30 पोटेंसी में इसको लेकर के 5-7 दिनों लेकर के सुबह शाम 2 या 3 बूंद लेकर के आप इसको देख सकते हो कि आपको यदि ठीक ऐसा लग रहा हो कि बीमारी में सुधार आ रहा हो तो फिर आप इसको आगे भी ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी वैसे एक बार इस मेडिसिन के बारे में लेने से पहले आप किसी भी नेट पे या फिर बुक में अच्छे से पढ़ लो, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार इसकी मदद ले लो, उसके बाद में यदि आप मेडिसिन का चुनाव हो गया तो आपकी बीमारी बेहतर तरीके से ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों, यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।